मुख्यमंत्री कमलनाथ के पिता स्वर्गीय महेंद्र नाथ जी की स्मृति में जिला अस्पताल में हुआ रक्तदान शिविर, पिछले रिकॉर्ड टूटे। पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर जिले के सांसद नकुलनाथ पहुंचे पुलिस लाइन, अर्पित की विनम्र श्रद्धांजलि। मुखेड़ ब्लॉक के जाम में जिले के सांसद नकुलनाथ ने ली जनसभा, जरूरतमंद लोगों को शासन की योजनाओं के तहत किया लाभान्वित। और स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्रमुख सचिव द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दिए गए निर्देश। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जयचंद्रवंशी, और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया सीएम कमलनाथ के पिता स्वर्गीय श्री महेंद्र नाथ जी की स्मृति में आज जिला रोगी कल्याण समिति के तत्वाधान में जिला अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिले के सांसद नकुलनाथ के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे, कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा, एसपी मनोज राय सहित नेता पदाधिकारी एवं चिकित्सीय स्टाफ मौजूद था। श्री तिरुवर भाई से निवेदन करूंगा कि आप भी मान्य स्वागत श्रृंखला को यही विराम देते हुए अध्यक्ष छिंदवाड़ा डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा जी, उपस्थित अतिथिगण एवं सम्माननीय सदन, आज यहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के पूज्य पिताजी और हमारे सांसद श्री नकुलनाथ जी के पूज्य दादाजी स्वर्गीय महेंद्र नाथ जी की स्मृति में किया जा रहा है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिला चिकित्सालय स्थित इसी ब्लड बैंक के उन्नयन हेतु माननीय कमलनाथ जी ने वर्ष 2011 में अपने पिता स्वर्गीय महेंद्र नाथ जी की स्मृति में गठित ट्रस्ट से 50 लाख रुपए की राशि जबलपुर के जस्टिस तंखा मेमोरियल रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर स्पास्टिक्स एंड हैंडीकैप चिल्ड्रन तथा छिंदवाड़ा की रोगी कल्याण समिति के माध्यम से प्रदान किया था। ब्लड बैंक को अपग्रेड करने का उद्देश्य यह था कि छिंदवाड़ा जिले के मरीजों को रक्त से संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े। यही रोटरी बैंक तब से निरंतर मरीजों को लाभ पहुंचाते आ रहा है। पुण्य का काम हमारे परम पूज्य आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पिताजी की याद में आज जिला स्तरीय रक्तदान शिविर आयोजित किया है। ब्लड देने से ब्लड कम नहीं होता, और जो हमारी कोशिकाओं में ब्लड गर्त जाता है वो किसी की जान बचाने में अगर काम आए तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। और आधुनिक युग में यह सब लोगों को इसके बारे में जानकारी वो यदि दी जाए तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ ब्लड की कोई कमी नहीं आएगी। यह एक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं रक्तदान में ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने मानवता की सेवा का सबसे सर्वोपरि अगर किसी का स्थान है इस देश की समाज सेवा में तो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी का है। उसके पीछे मैं कोई हवा में बात नहीं करना चाहता, आप सब विदित हैं इस बात से, आप सब जानते हैं कि एक ही शख्सियत हिंदुस्तान में ऐसी है जो अपने खुद के संसाधनों से छिंदवाड़ा जिले के आम गरीबों का अगर इलाज, अरे भेड़े में दिन दुखियों का सबसे ज्यादा इस राजनीतिक जीवन में अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है। छिंदवाड़ा जिले की जनता का तो इलाज चाहे वो नागपुर के हॉस्पिटल में हो, चाहे दिल्ली के हॉस्पिटल में हो, चाहे बॉम्बे के हॉस्पिटल में हो, चाहे देश के प्रख्यात हॉस्पिटलों में, छिंदवाड़ा का गरीब से गरीब आदिवासी अंचल का नागरिक भी हवाई जहाज से कई बार आदरणीय कमलनाथ जी ने गरीब से गरीब व्यक्ति की जान बचाई है। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। शहीद स्मृति दिवस भी है, 21 अक्टूबर को शहीद स्मृति दिवस भी मनाया जाता है।
और मैं सबसे पहले उन देशभक्तों को, उन देश प्रेमियों को, उन शहीदों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं, जिन्होंने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कई वर्षों पहले मेरे पिताजी कमलनाथ जी ने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मेरे स्वर्गीय दादाजी के नाम पर, श्री महेंद्रनाथ जी के नाम पर, क्योंकि उस समय रक्त की बहुत कमी थी हमारे पूरे जिले में। उन्होंने ये, क्योंकि हमारे जिले भर में कोई रक्तदान नहीं होता था और हमेशा जब कोई दुर्घटना होती थी तो सबसे बड़ा समस्या रक्त का होता था। मेरे स्वर्गीय दादाजी के नाम से ये रक्तदान शिविर शुरू किया था। आज मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि मैंने भी छिंदवाड़ा के लिए एक सपना देखा था और बहुत जल्द वो सपना पूरा होने जा रहा है। मेरा सपना ये था कि हमारे छिंदवाड़ा जिले से कोई नागपुर, बंबई या दिल्ली ना जाए अपना इलाज कराने, बल्कि नागपुर के लोग, बंबई के लोग हमारे छिंदवाड़ा जिले में आए और हमारा छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो नया अस्पताल बनने जा रहा है वहां आके अपना इलाज कराए। और डॉक्टर राम टेके जी, आपकी और मेरी चर्चा हमेशा बने रहे कि जो लेटेस्ट और सबसे आधुनिक मशीन या जो भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है आप मेरे संपर्क में रहिएगा, यहां कोई कंजूसी करने की गुंजाइश नहीं है। अंत में मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो आज रक्त देने जा रहे हैं। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। शिविर में कांग्रेस के युवाओं, समाज सेवियों तथा जागरूक जनप्रतिनिधियों ने पूरे उत्साह से रक्तदान किया। शिविर में रिकॉर्ड 323 यूनिट यानी 323 लोगों ने रक्तदान किया। जी न्यूज के संवाददाता सचिन गुप्ता सहित जागरूक युवा पत्रकारों ने रक्तदान की नजीर कायम की। पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान की गई। जिले के सांसद नकुलनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की तो साथ ही शहीदों के परिजनों को शॉल श्रीफल प्रदान कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे, कांग्रेस नेता विश्वनाथ ओकटे, कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा, डीआईजी सुशांत सक्सेना, एसपी मनोज राय, एडीएसपी शशांक गर्ग सहित पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मैं आपको इस इतिहास के बारे में पहले बताना चाहूँगा। पुलिस स्मृति दिवस ऐसे वीर शहीद जवानों की स्मृति में मनाते हैं जिन्होंने राष्ट्र व समाज की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर हम विगत एक वर्ष की अवधि में शहीद हुए 292 पुलिस जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐतिहासिक शौर्य गाथा 60 वर्ष पूर्व की है जब 21 अक्टूबर 1959 को सीआरपीएफ की पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक श्री करमबीर सिंह के नेतृत्व में 20 जवानों की पुलिस टोली हॉट स्प्रिंग लद्दाख में
16,000 फीट की ऊंचाई पर विषम परिस्थितियों में गश्त के दौरान चीन की सेना द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। इस आक्रमण में पुलिस के 10 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन वीरों के बलिदान को स्मरण करने व उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद होने वाले पुलिस के सूरवीरों की स्मृति में संपूर्ण देश की पुलिस शहीद दिवस मनाती है। इस अवसर पर मैं उनके महान बलिदानों से अभिभूत हूं एवं अपने तथा समस्त पुलिस बल की ओर से उन वीर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अगस्त 1975 को जन्म हुआ था और 23 मार्च 2006 गडरिया गिरोह राम बाबू को पकड़ने के लिए तैनात किया गया था, जिनकी पूरी टीम ग्वालियर में थी। मोहम्मद अस्तान सिद्दीकी तथा इनके एक साथी की तैनाती कोलारस थाना में गुप्त रूप से की गई थी, जिसको जिला शिवपुर कोलारस कपूर उसकी सीधा
रामविलास उपनाडे जो समय बस स्टैंड को लेकर घूम रहा था, जो रात्रि साढ़े हरिभजन गिरी के परिजन आ जाए और हमारा समुद्रभेड़ में 9 अप्रैल 1982 को आप शहीद हुए श्री हरभजन ठौर। पिता श्री नर्मदा प्रसाद राठौर, क्षण तक इनकी टीम नक्सलियों से लोहा लेती रही, तदुपरांत कृष्ण कुमार राठौर शहीद हो गए। आज हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 30 मिनट पर डोनपुरिया NH69 रोड पर चिचोली पर उस कसंदल दरबार से मेन रोड भ्रमण हेतु निकला था आरक्षक जितेंद्र दहलिया। शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य अधिकारी व पुलिस कर्मियों के साथ एडिशनल SP शशांक गर्ग ने सपत्नीक रक्तदान कर मिसाल पेश की। जिले के सांसद नकुलनाथ ने आज मोखेड़ ब्लॉक के ग्राम जाम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा में जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लखीचंद पवार, जनपद अध्यक्ष कीर्ति विजय गावंडे, प्रवक्ता फैयाज खान, सांसद प्रतिनिधि सचिन चौरसिया और युवा नेता आनंद राजपूत सहित पदाधिकारी मौजूद थे। सपना है कि हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में,
जैसा छिंदवाड़ा जिले का नाम है उसको तेज रफ्तार से कामों के माध्यम से बढ़ाने का काम हमारे सांसद नकुल नाथ जी कर रहे हैं। आया हूँ आपका धन्यवाद करने, धन्यवाद इसलिए करने क्योंकि पूरे संसद विधानसभा में मुझे चांद से सबसे पहले वोट मिली थी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों मैं सबसे पहले कर्जा माफी के बारे में बात करना चाहता हूँ। भाजपा के लोग हमारे किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वचनबद्ध हैं। हमने आपको वचन दिया था, अपने किसानों को वचन दिया था कि हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं अभी पहले चरण में जिन किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ 50,000 तक का कर्जा है, पहले चरण में 50,000 वालों का कर्जा माफ होगा। अगला चरण शुरू होने जा रहा है, अगला चरण में 1 लाख जिन किसानों का 1 लाख तक का कर्जा है उनका कर्जा माफ होगा। तीसरे चरण में 1.5 लाख और चौथे चरण में 2 लाख। तो इसमें भले ही विलंब हो रहा हो लेकिन ये बात आप याद रखिए कि हम वचनबद्ध हैं, हम अपना वचन निभाएंगे। हमने माता और बहनों को वचन दिया था कि हम पेंशन की राशि बढ़ाएंगे। हमने 300 से 600 कर दी और जल्द से जल्द हम 600 से 1,000 रुपए करके दिखाएंगे। साथियों युवा होने के नाते मेरी प्राथमिकता युवाओं की ओर है। कोई भी बच्चा कोई अन्य जिले में ना जाए शिक्षा प्राप्त करने, बल्कि अन्य जिला के लोग हमारे छिंदवाड़ा जिले में आए और हमारे छिंदवाड़ा जिले में शिक्षा प्राप्त करें। अगर चिकित्सा की बात की जाए, आप सबको जानकारी है कि हमारे छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुल गया है और उसे छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाएगा। और हमारे छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के साथ 1,200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। और मेरी सोच यह है कि हमारे जिले से छिंदवाड़ा से कोई नागपुर ना जाए इलाज कराने, बल्कि नागपुर के लोग छिंदवाड़ा आए अपना इलाज कराने। सुशील कुमार प्रताप काशीनाथ रवि कुमार ये जो पशुपालन योजना के तहत पशुपालन के लिए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के अधिकारियों से सीधा संवाद किया और जरूरी निर्देश प्रदान किए। वीसी में डीईओ अरविंद चौरागढ़े, एसडीएम परासिया, ओम नमः शिवाय अर्जरिया, एसडीएम सौसर मिस्टर सनोडिया, एसडीएम जन्नारदेव रोशन राम तथा उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों के प्राचार्य मौजूद थे। अगले महीने के लगभग इसी समय में हम लोग एक बार आपके साथ फिर से एक वीसी के माध्यम से एक बार आप संपर्क करके हम जानना चाहेंगे कि आप लोग को कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही और आपको कहां हमारे सपोर्ट। थैंक यू सो मच। मतलब सॉफ्टवेयर पे ज्यादा स्मार्ट क्लासेस आज सभी एसडीएम्स के माध्यम से प्रमुख सचिव रश्मि अनुश्री मैडम द्वारा वीसी ली गई थी। इसमें सभी एसडीएम को आउट किया गया था क्योंकि एसडीएम्स जितने भी हैं ये सभी विकास खंड स्तरीय जितने एक्स
एक्सेलेंस स्कूल होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं। बहुत सारे स्कूलों में हमारी काफ़ी राशि यहाँ पर एकत्रित है और उनको हम प्राचार्य ठीक से व्यय नहीं कर पाए हैं। चूँकि अध्यक्ष SDM होते हैं तो इसलिए आहूत किया गया था कि SDM उनकी बैठक लें और उनके पास जो राशि बची हुई है उनको उस सावा की अधोसंरचना में खर्च करके और व्यय करें, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों की प्रयोगशालाएँ लाइब्रेरी ठीक ठाक नहीं है, उस राशि के माध्यम से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा सकता है। निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज के नन्हे मुन्ने बच्चों का डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का,
ब्रेक के इस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तीस वर्षों का विश्वास, धनतेरस दीपावली की खुशियां मनाइए सत्कार हीरो के संग। दीपावली पर धमाकेदार उपहारों की सौगात, करोड़ों का त्योहार, सालों का भरोसा। सत्कार हीरो, 30 वर्षों का विश्वास। केवल आधार कार्ड लाएं और हीरो मोटरसाइकिल एवं स्कूटर ले जाएं। हीरो पेश करते हैं फ्लेक्सी स्कीम। बैंक अकाउंट नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, चेक की जरूरत नहीं, केवल न्यूनतम डॉक्यूमेंट्स पर उपलब्ध सिर्फ आधार कार्ड एवं 4 फोटो द्वारा मात्र 80 रुपए प्रतिदिन की आसान किस्त पर। अब बिना किसी बैंक चेक के घर ले जाएं, कोई भी हीरो टू व्हीलर। बैंक के चक्रों से मुक्ति पाएं, नगद किस्त शोरूम में जमा कराएं, साथ ही एक माह में एक से अधिक किस्त जमा कराने की सुविधा भी उपलब्ध। सत्कार हीरो, 30 वर्षों का विश्वास। सत्कार हीरो, परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नागपुर रोड सर्रा। आंखों में सपने संजोए तेरी चाहत के, बरसों से पलके बिछाए तेरी राहों में, जिंदगी में तुम मिले ऐसे कि एक रिश्ता बन गया, एक रिश्ता जो तेरे होने का एहसास दिलाता है, तुझसे दूर ही सही तेरे पास होने का एहसास दिलाता है, तेरे साथ एक नई दुनिया बसाना है। डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, द ब्राइड ऑफ महाकौशल। ज्वेलर्स कामटी वाले, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिक की ओर से बम्पर उपहार योजना। LCD, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम, LED की विशाल रेंज, सैमसंग मोबाइल, किचन चिमनी, वैक्यूम क्लीनर और सभी प्रोडक्ट 0% फाइनेंस पर उपलब्ध। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक कलेक्ट्रेट के सामने छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, AC लग्जरी रूम, 2 AC हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम,
बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। 20 अक्टूबर को पूजा लॉन में साहू समाज द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें समाज के जिला अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने सभी को शुभकामनाएं प्रदान की हैं। संगठन सचिव के रूप में एचपी गुप्ता जी जो नागपुर में कार्यरत हैं, गोकुल साहू सेक्रेटरी, विजय परसराम साहू हमारे यूनिवर्सिटी हैं, धर्मेंद्र साहू जो बेस्ट समाज सम्मेलन में कुशल संचालन करते आए हैं, आपको भी महत्वपूर्ण जवाबदारी संगठन की दी गई है और रोहना से गोविंद साहू जी आपका भी मंदिर अभिनंदन है। प्रचार सचिव हेतु श्याम साहू पत्रकार, गणेश साहू पत्रकार, कैलाश साहू सिंगोड़ी, लक्ष्मी नारायण साहू अच्छी भैया, गोपाल साहू सेवरा मड़का, हरीश साहू सेवरा मड़का और हरीश गणेश साहू आपको प्रचार सचिव की मुख्य जिम्मेदारी है। सभी का स्वागत वंदन है। अशोक हरलाल साहू जी, केसराम साहू नवेगांव से, दशरथ बाबूलाल जी साहू, गोविंद साहू, संजय निर्मल चंद साहू जी के भाई हैं, संजय साहू जी को भी दिया गया है, प्रदीप साहू रहसोबा, दिनेश साहू जीवीली, प्रकाश साहू होने के लिए, राजेश साहू शिक्षक जी, मोहन साहू छापा खाना, सुमरन साहू चौरी, नंदू साहू व्यवहार एजुकेटर्स, सरवन साहू दाल वाले, पप्पू साहू जो ललानी मेडिकल में है, धुरु साहू सोना मंडा, रामकृष्ण साहू लालू रुपरिया, हरदयाल साहू लालू रुपरिया, राजेश लखन साहू हरदे, घनश्याम दत्ते जी, रोना कुमार सर, राकेश कन्हैयालाल साहू बालाजी नगर, लालचंद साहू मानदाता कॉलोनी। समाज जिला साहू समाज की कार्यकारिणी की एक सभा है जिसमें मैंने सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति किया हुआ है और समाज को एक रूट चलकर एक साथ संगठित करने के लिए, और मेरी सोच है कि समाज वही उन्नति करती जो संगठित होती। जिला भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और निकाय चुनावों के संबंध में अप्रत्यक्ष प्रणाली पर विरोध दर्ज कराया है। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर पालिका निगम के जो चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहे थे, जैसे अप्रत्यक्ष रूप से कराने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया, जो सर्वथा निंदनीय है। ये मतदाताओं का अपमान है। मतदाता अपने ढंग से चुने हुए प्रतिनिधि को उनकी योग्यता के आधार पर चुनकर और प्रशासन और निगम में चलाते हैं। हमारा ये कहना है, हमने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और हमारा यह ज्ञापन के माध्यम से कहना है कि चुनाव जैसे पूर्व में होते थे प्रत्यक्ष प्रणाली से, उसी प्रकार से हो, अप्रत्यक्ष प्रणाली से यह चुनाव न हो, और जो अध्यादेश उन्होंने जारी किया उसको वापस लेने की मांग आज भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में कर रही है। जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसको अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने की सोचे हैं, क्योंकि जो क्रियाकलाप कांग्रेस सरकार ने करी है उससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार साफ है, कहीं वो जीतने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, जोड़ तोड़ को करने के लिए उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली लाई है। इसके आज भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करके ज्ञापन राज्यपाल के माध्यम से दिया है। दिए गए कि जो नगर निगम के और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों को चुने जाए, इसका ज्ञापन है। शहर के मंदिरों के पुजारियों और साधु संतों ने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की जघन्य हत्या के मामले में शीघ्र जांच की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी सजा की मांग की है। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। कमलेश
फांसी दो, फांसी दो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा युवा अध्यक्ष भाई बालकृष्ण जी के नेतृत्व में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में हिंदू महासभा और ब्राह्मण समाज के गौरव पंडित कमलेश तिवारी जी की जो नृशंस हत्या की गई है, हम सभी ब्राह्मण समाज उसका विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से माननीय राष्ट्रपति महोदय से हम लोग निवेदन करते हैं कि इस हत्याकांड का पर्दाफाश करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देवें और इन्हें बीच चौराहे पर फांसी दी। ऐसी हम सभी लोग शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं ताकि आगामी समय में ऐसी घटना घटित न हो। जय श्री परशु। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज समय सीमा के लंबित पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें संबंधित विभाग के प्रमुखों को जरूरी निर्देश प्रदान किए। आपकी सरकार अभी भी 22 आवेदन लंबित है, ये क्यों? मेरे पास से उसके पास से ट्रांसफर करने में सर वो मीटिंग कराया जाता है सर। ये अभी बहुत सारे ऐसे आवेदन हैं जो करीब है सर, इसमें 153। मैं सर अब संडे को ही करता हूँ सर, 6 बजे खुल के करता हूँ ताकि आपके जो मतलब अपडेट की जानकारी मिले, कोई क्या ना मिलेगी मेरा फॉलोअप करें। तो 153 ऐसे हैं राजन सुबह जिला आपूर्ति अधिकारी का रहता है पाकिस्तान, इस टाइप से कहते हैं जो फॉर्म डल जाते हैं लेकिन फिर वो उसके बाद ट्रांसफर करते हैं, या वो नहीं देते हैं, या वो नहीं कैंसिल होते हैं। मतलब इसमें वो करना पड़ेगा सर, जब कैंप होता है तो उसी समय बताया करेंगे कि सर मेरे मेरा आवेदन नहीं है तो वो संबंधित सीओ के पास आएगा सर, बदल जाए नहीं। जिस समय आपको आवेदन मिलता है उसी समय कहते हैं ये हमारा आवेदन नहीं इससे संबंधित है, वहीं बदल जाए। वो ये बाद में पोर्टल में दिखते हैं तो फिर वो सीधे पोर्टल पे देख लेते हैं, तो यहाँ से चेंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कमल थोड़ा चल रही थी, अभी 24 आवेदन लंबे थे। नानदवाड़ी का 31 आवेदन लंबे बटका के तो 564। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र मंडल ने 20 अक्टूबर की रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शरद उत्सव का आयोजन किया। शिवाजी महाराज मंडल का यह 28वां वार्षिक स्नेह सम्मेलन यहाँ पे चावाकलान में आयोजित किया गया है। विगत पूरे 28 वर्षों से हमारे मराठी समाज के सभी नवयुवक और वृद्धजन यहाँ पे एकत्रित होकर के हम लोग गीत संगीत नृत्य प्रतियोगिताओं के द्वारा शुद्ध दिन भर रंगोली चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता भी हुई और उसी के द्वारा बच्चों ने अपने कौशल का यहाँ पर प्रदर्शन किया और बहुत ही अच्छे तरीकों से बच्चों ने अपने इसमें पूरे उत्साह के साथ भाग लिया
और बड़े अच्छे वातावरण में आज का पूरा एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और इसी प्रकार से हम पूरे हमारे समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज के कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और सभी का यहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग होता है, जिससे हमें ऐसा उत्साहवर्धन होता है कि आज मराठी समाज यहाँ एकत्रित आकर के हमारे समाज का गौरव यहाँ पर बढ़ा रहा है और इसी प्रकार से हमारे समाज के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित है और उनका भी यहाँ पर सम्मान और श्रीफल दे करके हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ये बड़ा खुशी का पर्व है और शरद पूर्णिमा के निमित्त हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंत में एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री कमलनाथ के पिता स्वर्गीय महेंद्र नाथ जी की स्मृति में जिला अस्पताल में हुआ रक्तदान शिविर, पिछले रिकॉर्ड टूटे। पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर जिले के सांसद नकुलनाथ पहुंचे पुलिस लाइन, अर्पित की विनम्र श्रद्धांजलि। मोखेड़ ब्लॉक के जाम में जिले के सांसद नकुलनाथ ने ली जनसभा, जरूरतमंद लोगों को शासन की योजनाओं के तहत किया लाभान्वित। और स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्रमुख सचिव द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दिए गए निर्देश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।